नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप रीजन जिसकी वजह से आपको स्प्लेंडर 100 सीसी की जो बाइक है एक्सटेक में कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया वो आपको खरीदनी चाहिए। जिसके बारे में डिटेल में आपको मैं अभी जैसे मैं अभी शोरूम के अंदर ही हूँ तो मैं आपको बाइक तक लेके चल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें ये बाइक खरीदनी चाहिए और ये बाइक क्यों इतनी पॉपुलर है। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ जो इसके अंदर खास बनाती है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। अभी कंपनी ने पार्ट्स और इक्विपमेंट्स यूज़ किए हुए हैं वो सारे अच्छी क्वालिटी के हैं, चाहे वो इसका विंड वाइजर हो वो भी अच्छी क्वालिटी का है, जितने भी बटन्स भी हैं वो भी सारे ड्यूरेबल हैं, इसका जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने दे रखा है, बेसिक चीज़ें हैं और बट काफ़ी ड्यूरेबल कंपनी ने इसे बनाया है ओवरऑल। सेकेंड नंबर पर बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस की, कंपनी इसके अंदर जो 100 सीसी का इंजन यूज़ करती है उसके साथ में OHC भी यूज़ करती है जो कि इसके लो टू जो मिड टॉक है वो काफ़ी अच्छा कर देती है, यानी इसकी पुलिंग पावर भी अच्छी है। और बात करें इसकी माइलेज की तो वह अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 के बीच का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, बट इसकी जो रियल लाइफ माइलेज है वो 60 से 65 के बीच में रहती है। तो बहुत बढ़िया माइलेज है कंसिडरिंग कि इतना भी ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो तीसरे नंबर पर बात करें तो वो है इसकी स्टाइलिंग फैक्टर, बिल्कुल बेसिक सी बाइक है, कंपनी ने ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं और बैठने पे मतलब इकलौती ऐसी बाइक होगी जो 100 सीसी में है बट वो फिर भी यूथ को अपील करती है। तो और रीज़न जो है इसको टॉप सेलिंग होने का, टॉप कस्टमर की प्रेफरेंस होने का, वो है इसकी आफ्टर मार्केट फिटिंग्स। जो आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक्स में यहाँ पे रस्सी बंदी होती है या फिर टेल लाइट के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स लोग लगा रखे होते हैं। तो आफ्टर वैसे तो कम बाइक जो है ओवरऑल ही अपने आप में फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है, कुछ एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी आफ्टर मार्केट्स भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लग जाती हैं तो जो इसको एक काफ़ी एक अट्रैक्टिव पॉइंट इसको बनाती हैं इसको लेने के लिए। अभी रिसेंटली आप जैसे जानते होंगे तो कंपनी ने इसके एक्सटेक वर्जन को लॉन्च किया जो कि इसमें फुल्ली कनेक्टेड जो है डिस्प्ले और फीचर्स इसमें दे रखे हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको SMS अलर्ट भी मिल जाता है और कॉल अलर्ट भी मिल जाता है, टर्न बटन इंडिकेटर भी है और ओडोमीटर, बाकी सारी बेसिक चीज़ें तो हैं ही, फ्यूल इंडिकेशन भी दे रखा है। तो ओवरऑल बाइक फ़ोन के साथ कनेक्टेड होती है और अगर आपके कोई नोटिफिकेशंस वगैरह वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं, इसके अलावा यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ भी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पे एक अलग से लाइट दे रखी है, तो क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है इसलिए वहाँ पे इल्यूमिनेट हो रही थी। इसके अलावा इसके राइडिंग कंफर्ट, इसका अगर आप हैंडल देखेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है और इसकी सीट भी बिल्कुल सीधी है, फ्लैट है, तो लॉन्ग राइड में भी बिल्कुल आप सीधे बैठते हैं इसमें और काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर आता है और ओवरऑल चलाने में बहुत बढ़िया रहती है। तो ये रीजन थे स्प्लेंडर प्लस के टॉप सेलिंग बाइक होने के और कस्टमर के प्रेफरेंस में टॉप चार्ट करने के। आपको ये बाइक क्यों पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको सबसे अच्छा फीचर्स बाइक के बारे में क्या लगता है हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर कब अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।